चलिए दोस्तों, तो हम लोग फिर से आ गए हैं, वही चीज जो ब्रेक के लिए हम लोग गए थे। तो ब्रेक के बाद फिर से हाजिर है आप लोगों के बीच में क्वेश्चंस का सोल्यूशन करने के लिए। हम लोगों ने अभी तक 40 नंबर क्वेश्चंस तक सोल्यूशन कर लिया है, अब हम लोग 40 के बाद का क्वेश्चंस देखेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सारे दिए गए हैं, थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि हम सोचे हैं कि भाई सबको एक्सप्लेन कर देंगे, बस खाली ये भी मिलाना रहता तब तो हम लोग जल्दी से निकल जाते, लेकिन एक्सप्लेन इसलिए कर देते कि ये चीज़ें आपको ज़्यादा दिनों तक याद रहे, ठीक है। और क्वेश्चंस में किसी तरह का कोई मिसअंडरस्टैंडिंग आपको हो गया है, नहीं समझ में आ रहा है, कुछ मिसकॉन्सेप्शन हो गया है, तो आप यहाँ पे उसको कंप्लीट कर ले। जैसे क्वेश्चन नंबर 40 तक हम लोगों ने पहले ही कर लिया था, अब हम लोग आगे जल्दी से कंप्लीट करेंगे बाकी जो क्वेश्चंस बचा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 41 है, पदार्थ जिसके पृष्ठ तनाव पर अधिशोषण की घटना होती है, जो अधिशोषण की घटना जिसके सतह पे होती है, मतलब जो चिपकाने वाला पदार्थ है। दो चीज होता है, एक चिपकाने वाला, एक होता है चिपकने वाला। याद रखिएगा, अधिशोषण में दो चीज होती है, एक वो चिपकाने वाला, तो जो चिपकाने वाला होता है ना उसको बोलते हैं अधिशोषक, और जो चिपकने वाला होता है उसको बोलते हैं अधिशोष या अधिशोषित पदार्थ। तो चिपकाने वाला की बात, वो जिसके सतह पर अधिशोषण की घटना होती है वैसे पदार्थों को बोलते हैं अधिशोषक। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 42, अधिशोषण की प्रक्रिया कैसी प्रक्रिया भाई? अरे सबको पता है, यूनिवर्सल एकदम है, जहां भी अधिशोषण की घटना होती है, एक पदार्थ दूसरे पदार्थ की सतह पर जाकर चिपकता है तो उसमें ऊर्जा रिलीज होती है, और जहां ऊष्मा रिलीज होती है, ऊर्जा रिलीज होती है, उसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? ऊष्मा छेपी प्रक्रिया। तो क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर हो गया ऊष्मा छेपी प्रक्रिया। कहां गया 42? क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर हो गया ए। याद रखना, अधिशोषण एक ऊष्मा छेपी प्रक्रिया है, वो तो पहले से भी आपको पता है। क्वेश्चन नंबर 43, रासायनिक अधिशोषण की अधिशोषण ऊष्मा भौतिक अधिशोषण की अधिशोषण ऊष्मा से क्या होती है? आपको मालूम है ना कि रासायनिक अधिशोषण में है ना, एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के साथ जाके बंधन बनाता है, रासायनिक बंधन बनाता है, तो अधिक मात्रा में ऊष्मा रिलीज होती है। याद कर लीजिए जरा से, भौतिक अधिशोषण में 20 से 40 किलो जूल, भौतिक में। रासायनिक अधिशोषण में बोले थे कि 40 से 400 किलो जूल तक भी हो सकता है, याद रखना है। तो 43 का आंसर हो जाएगा, रासायनिक अधिशोषण में भौतिक अधिशोषण से अधिक ऊष्मा निकलती है। 43 का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 44, जैव उत्प्रेरक होता है, जीवों में पाया जाने वाला उत्प्रेरक को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? एंजाइम बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर हो गया ए, एंजाइम। क्वेश्चन नंबर 44 हो गए। नेक्स्ट आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 45 में कह रहा, उत्प्रेरक की क्रियाशीलता किस बात पर निर्भर करती है? उत्प्रेरक कहां ज्यादा इफेक्टिव होता है, कब वो ज्यादा काम करता है, ज्यादा फास्ट काम करता है? तो रखना, उत्प्रेरक की क्रियाशीलता मास पर निर्भर नहीं करती, द्रव्यमान से उसको क्या मतलब है ना, विलयता से उसको क्या मतलब, कणों के साइज पर। कणों का साइज जितना ज्यादा रहेगा, बड़ा बड़ा रहेगा, उस उत्प्रेरक उतना तेजी से जाकर चिपकेगा, ज्यादा मात्रा में जाकर चिपकेगा, है ना। मतलब कणों का जो साइज है, उसका सतह पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा, उत्प्रेरक उतना तेजी से जाकर उसके सतह पर चिपकते हैं, और अधिशोषण की जो घटना है उतना ज्यादा होती है, उतना बंधन जल्दी जल्दी टूटता है, इसलिए वो ज्यादा इफेक्टिव होता है, याद रखना है। तो 45 का आंसर हो गया कणों के साइज पर, कणों की आकृति पर। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 46, सूक्ष्म विभाजित उत्प्रेरक अधिक प्रभावी होता है क्यों? सूक्ष्म प्रभावी उत्प्रेरक अधिक प्रभावी क्यों होता है? इसलिए कि सूक्ष्म प्रभावी उत्प्रेरक जो होता है वो उसमें अधिक सक्रिय केंद्र बनते हैं। बड़ा बड़ा ढेला देखना है ना, एक चीज आपसे पूछ लेते हैं, जैसे नमक है, नमक का बड़ा सा ढेला, उसको पानी में डालिएगा है ना, उसी नमक को पीस करके पानी में डालिएगा, बोलिए जल्दी कौन घुलेगा? बड़ा सा ढेला पानी में जल्दी घुलता है कि पीसा हुआ नमक जिसको चूर्ण बनाते हैं? तो पीसा हुआ नमक जल्दी पानी में घुल जाता है, क्यों? क्योंकि उसी बड़ा सा ढेला जो है उसको जब हम पीस देते हैं तो वो छोटा छोटा डस्ट में बदल जाता है, जिससे उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाता है, उसके सक्रिय केंद्रों की संख्या बढ़ जाती है, इसलिए उत्प्रेरक उस पर ज्यादा क्रियाशील हो जाता है, ज्यादा प्रभावी होता है। तो 46 का आंसर हो जाएगा बी। 47 हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन अनुसंख गुण नहीं? अरे ये तो बड़ा अच्छा सवाल है, एग्जाम में बहुत बार इसको पूछा है। हम आपको बता दें एग्जाम के लिए कि पूरे दुनिया में मात्र 4 गो ऐसे चीज है जो अनुसंख गुण होते हैं। पहला क्वथनांक उन्नयन, हिमांक अवनमन, पराश्रण दाब, बाष्प दाब का अवनमन। सुन लीजिए चारों फिर से, क्वथनांक उन्नयन, हिमांक अवनमन, बाष्प दाब का अवनमन और पराश्रण दाब, ये चारों को छोड़ करके बाकी कोई भी ऑप्शन आपको नजर आए ना तो उसको सीधे टिक कर दीजिएगा, वो पराश्रण दाब, ये अनुसंख गुण नहीं है। तो देख लेते हैं, पराश्रण दाब ये तो अनुसंग गुण है, क्वथनांक उन्नयन
हिमांक का अवनमन ये भी है, लेकिन वाष्प दाब का अवनमन हम बोले हैं, खाली वाष्प दाब दिया इसलिए आंसर ये हो, ये क्या है अनुशंग गुण नहीं है। हाँ वाष्प दाब का अवनमन कहता तब हम उसको सोचते, बट 47 का वाष्प दाब हो जाएगा। 48 है, निम्नलिखित में से कौन अर्धपरागम झिल्ली से निकल जाता है विलायक कीकर, याद रखना है अर्धपरागम झिल्ली जो होता है एक ऐसा झिल्ली होता है जिससे सिर्फ विलायक कीकर आर पार हो सकते हैं लेकिन विलेय कीकर नहीं, परासरण की क्रिया में आपको पढ़ाए थे ऑस्मोसिस प्रोसेस जिसको हम लोग बोलते हैं। घर में जितना भी देखते हैं ना एक्वागार्ड का पानी जो छनाता है ना उसमें सब यही अर्धपरागम झिल्ली लगा रहता है जो पानी को खाली आर पार होने देता है लेकिन उसके लवण को नहीं होने देता है, है ना, याद रखना है विलायक कीकर जो है वो आर पार हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 49 कहा गया 49 हाँ 234.2 ग्राम चीनी के घोल में 34.2 ग्राम चीनी घुला हुआ है तो घोल का मोलर सांद्रण क्या होगा, मोल लता निकालना है बाबू, क्या निकालना है मोल लता। आपको मालूम है मोल लता का फॉर्मूला होता है विलेय के मोलों की संख्या बटा विलायक का भार केजी में, विलायक का भार, तो सबसे पहले तो विलायक का भार निकालो, देखो ये बिलियन का वजन दिया हुआ है, घोल दिया हुआ है 234.2 ग्राम ही बिलियन है उसमें 34.2 ग्राम विलेय है तो विलायक का वजन कैसे निकालेंगे, 234.2 में से 34.2 घटा देंगे माइनस कर देंगे तो विलायक का वजन निकल के आ जाएगा 200 ग्राम, विलायक का वजन 200 ग्राम आ गया। अब विलेय के मोलों की संख्या, मोल बराबर होता है दिया हुआ भार बटा अनुभार, तो दिया हुआ 34.2 और चीनी ना है जी, चीनी का अनुभार होता है 342, 34.2 बटा 342 ये आ जाएगा कट के 1/10 1/10 तो मोलों की संख्या आ गया 1/10 और विलायक का भार आ गया 200 यानी कि 1/10 बटा 200 ग्राम है ना उसको केजी में बदलने के लिए 1000 से भाग दे देना यानी 1/10 बटा 200 बटा 1000 ऊपर चला जाएगा 2/5 यानी कि 5/10 0.5 आ जाएगा 5/10 ठीक है यानी कि 0.5 आंसर आ जाएगा। तो ऐसी कैलकुलेशन इजी वे में हो गया मुझवानी 49 का आंसर बी हो गया। 50 नंबर में आइए, मोल लता को व्यक्त किया जाता है मोल पर केजी के द्वारा, इसमें ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत है, मोल लता मोल रहता रहता तो मोल पर लीटर, मोल लता है तो मोल पर केजी। क्वेश्चन नंबर 51 में आइए गए, आइए यहाँ पे प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होता है, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक अभी जस्ट थोड़ा देर पहले बताया थे, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक होता है पर सेकेंड, क्या होता है पर सेकेंड, याद रखिएगा पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर हो गया बी, क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 52 सांद्रण इकाई जो तापक्रम से स्वतंत्र होता है, याद रखना है वैसा सांद्रण जिसको ताप से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, आपको लिखाए हैं जो आयतन पर निर्भर करने वाला उस पर फर्क पड़ेगा, जैसे मोल रता पर फर्क पड़ेगा, नॉर्मलता पर फर्क पड़ेगा, लेकिन जो द्रव्यमान पर निर्भर करने वाला चीज है उस पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो द्रव्यमान पर कौन कौन निर्भर करता है, ये देखिए ये क्या लिखा, द्रव्यमान आयतन, आयतन शब्द आ गया, नॉर्मलता मोल रता, ये सब आयतन पर निर्भर करने वाला है, यानी कि मोल रता ही एक ऐसा चीज है जिसको तापमान से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार इसको पूछा है कि वैसा सांद्रण का इकाई जो टेम्परेचर पर निर्भर नहीं करता है, याद रखना मोल लता। क्वेश्चन नंबर 53 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ के 0.1 mm घोल का, एम का मतलब होता है एम मोल लता दिया हुआ है, घोल का परासरण दाब अधिक होगा। देखो बाबू ऐसा क्वेश्चन जो है ना एग्जाम में, देखिए सब में कह रहा है कि 0.1 mm घोल का किसका परासरण दाब ज्यादा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है। ऐसा क्वेश्चन जब ज्यादा आएगा कि परासरण दाब किसका ज्यादा होगा, क्वथनांक कुनैन किसका ज्यादा होगा, हिमांक अवनमन किसका ज्यादा होगा, तो बस उसको एक चीज दिमाग में खाली रख लीजिए, सीधे आप उसमें कणों की संख्या जोड़ लीजिए, आयन को तोड़ करके देख लीजिए कि जिसमें जितना ज्यादा आयन आएगा, जो बोल रहा हूं उस पर गौर कीजिएगा एकदम, कभी इसमें गलती नहीं होगी एग्जाम में, जिसमें आयनों की संख्या जितना ज्यादा आएगा उसी का परासरण दाब सबसे ज्यादा होगा, हिमांक अवनमन ज्यादा होगा, क्वथनांक उन्नयन सबसे ज्यादा होगा। तो देख लीजिए ग्लूकोज तो आयन में टूटेगा नहीं, यूरिया आयन में नहीं टूटेगा, कैल्शियम क्लोराइड को तोड़ेंगे तो देखिए ये वो कैल्शियम और दो वो क्लोरीन, तीन वो टूटेगा, है ना, KCl को तोड़ेंगे तो दो वो टूटेगा, यानी कि आंसर इसका हो जाएगा सी, आयनों की संख्या ज्यादा तो परासरण दाब भी ज्यादा। चलिए नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन नंबर 54 नंबर क्वेश्चन, आप लोग भी उब रहे होंगे एकदम इतना स्लो कैसे बता रहे हैं, हम तो स्लो इसलिए कर रहे हैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ऐसे ए बी सी डी निकल बता के निकल सकते थे जल्दी से, बट उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, है ना, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे तो ज़्यादा दिनों तक याद रहेगा,
इस क्वेश्चन करवाने का मेन मकसद यही है। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 54 में देखें। विलयन जिसमें परासरण दाब समान ताप पर समान होता है। देखो समान परासरण दाब की जहां बात करें बस सीधा सीधा आंसर मान लीजिएगा सम परासरी। एक विलयन का परासरण दाब ज्यादा है दूसरे की तुलना में तो अति परासरी, एक विलयन का परासरण दाब कम है दूसरे की तुलना में तो अल्प परासरी। तीन तरह का विलयन पढ़ाए थे, अल्प परासरी, सम परासरी, अति परासरी। ज्यादा मतलब अति, बराबर मतलब सम, कम मतलब अल्प। तो यहां बराबर की बात हो रहा है, समान की बात हो रहा है, तो सम परासरी। क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्नलिखित में से किसमें विलयन का अनुसंग गुणधर्म नहीं है। कौन अनुसंग गुण, अभी तो बताया चार गो दुनिया में अनुसंग गुण होता है, हिमांक अवनमन, क्वथनांक उन्नयन, परासरण दाब है ना, और बास दाब का अवनमन। देख लो बास दाब का अवनमन है, हिमांक अवनमन है, परासरण दाब है, पृष्ठ तनाव नहीं होता है जी। 55 का आंसर हो गया बी। 56 नंबर क्वेश्चन, उष्मा और विद्युत का अच्छा सुचालक कौन सा है। बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये हो जाएगा ग्रेफाइट। अब सबको पता है ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक होता है। क्वेश्चन नंबर 57 है, परासरण दाब का मात्रक क्या होता है। परासरण दाब क्या है, दाब ना है जी, तो दाब का मात्रक क्या होगा, एम है ना, क्या लेगा, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट थोड़ा ना होगा, कैलोरी थोड़ा ना होगा, सेंटीमीटर पर सेकंड थोड़ा ना होगा, एटीएम होता है, दाब का मात्रक एटीएम होता है। तो 57 का आंसर हो गया डी। 58 नंबर क्वेश्चन था नहीं, आपको तो याद होगा टेस्ट में हमने बोला था कि एक क्वेश्चन छूट गया है, तो 58 क्वेश्चन जो है वो नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 की बात करने, निम्नलिखित में से कौन अनुसंग गुण नहीं है। देखिए फिर से वही क्वेश्चन आ गया, परासरण अनुसंग गुण धर्म है, अच्छा हमें से पढ़ने में मिस्टेक हो गया। निम्नलिखित में से कौन अनुसंग गुण धर्म है, अनुसंग गुण है तो कौन है, परासरण दाब सामने में दिख रहा है, परासरण दाब अनुसंग, बास दाब होता नहीं है, क्वथनांक हिमांक के सामने, अवनमन उन्नयन लिख रहेगा तब। क्वेश्चन नंबर 60 नंबर, 250 ml घोल में 4 ग्राम NaOH घुले रहने पर उस घोल की मोल रथा कितनी होगी। आपको मालूम है मोल रथा बराबर फॉर्मूला आता है विलेय के मोलों की संख्या बटा बिलियन का आयतन। मोलों की संख्या कितना निकल के आया, देखो 4 ग्राम NaOH का अनुभार होता है 40, 4/40 कर दीजिएगा, ये हो जाएगा मोल, और यानी बिलियन का आयतन 250 ml है, ml को लीटर में बदलिएगा, यानी कि 250 / 250/1000 कर दिएगा, तो इधर भी आ जाएगा 1/4, आई आ जाएगा 1/10, यानी कि 4/10 0.4 हो जाएगा। क्या बताया, बस याद है, समझ में आया, 4/40 / 250/1000, 1000 चल जाएगा ऊपर, तो 4/40 है ना गुने 1000/250, कैलकुलेट कीजिएगा 0.4 आ जाएगा। 60 का आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 61, विशिष्ट चालकता, याद कीजिए विशिष्ट चालकता, तीन तरह की चालकता होते हैं, विशिष्ट चालकता, मोलर चालकता, तुल्यांकी चालकता। विशिष्ट चालकता की जो इकाई होती है वो है पर ओम पर सेंटीमीटर, खोज लीजिए पर ओम, खाली देखिए ओम पर सेंटीमीटर है, ओम सेंटीमीटर स्क्वायर है, यहां पर लिखे पर ओम पर सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर हो गया सी, पर ओम पर सेंटीमीटर विशिष्ट चालकता की इकाई, या खाली कभी कभी चालकता भी लिखते रहेगा, विशिष्ट चालकता को ही हम लोग चालकता बोलते हैं, तो चालकता की इकाई होती है पर ओम पर सेंटीमीटर। चलिए क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 62, डेनियल सेल, गैल्वेनी सेल, सब में देखिए ध्यान से सुखिएगा, गैल्वेनी सेल याद कीजिए, हमने बोला था कि गैल्वेनी सेल का ही एक स्पेशल रूप है डेनियल सेल। डेनियल चूंकि वैज्ञानिक का नाम है, उन्होंने पहली बार जो सेल बनाया उसमें जिंक और कॉपर का इस्तेमाल किए थे, इसलिए उसका नाम डेनियल सेल पड़ गया। ऐसे तो बाकी दूसरे तरह का भी इलेक्ट्रोड आप लेंगे तो उसको हम लोग सेल गैल्वेनी सेल बोलते हैं, लेकिन ये गैल्वेनी सेल का एकदम स्पेशल रूप है जिसमें जिंक और कॉपर का इस्तेमाल किया जाता है। तो जिंक का ऑक्सीकरण होना चाहिए, कॉपर का अवकरण होना चाहिए। देखिए यहाँ पे दोनों पर, दोनों का देखो ऑक्सीकरण करवा दिया सेल में, आपको मालूम है कि दो चीज होता है, एक पर ऑक्सीकरण एक पर अवकरण, इसमें दोनों का देखो अवकरण करवा दी तो गलत रिएक्शन है लिखा हुआ, बाकी सब गलत रिएक्शन लिखा हुआ, एक ही रिएक्शन सही है वो है 62 का आंसर सी, जिंक का ऑक्सीकरण हो रहा है कॉपर का अवकरण हो रहा है। तो डेनियल सेल में है ना जिंक का ऑक्सीकरण और कॉपर का अवकरण होता है, 62 का आंसर सी हो गया। 63 नंबर देख ले, सिल्वर नाइट्रेट के घोल में 108 ग्राम सिल्वर जमा करने के लिए विद्युत धारा की कितनी मात्रा लगेगी। 108 ग्राम सिल्वर मतलब समझते हैं 1 मोल सिल्वर है ना, 1 मोल सिल्वर के लिए हमको 1 फैराड चाहिए जी, यहां पर लिखा हुआ 1 फैराड, बिल्कुल सही आंसर। तो 63 का आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि एजी पर प्लस, देखो सिल्वर ना है एजी पर प्लस आता है, प्लस का मतलब एक मोल इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 1 मोल को ही 1 फैराड बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 में बात कर लें जल्दी से फटाफट, निम्नलिखित में से कौन सा सेल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, देखो इधर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो सेल है वही सेल हम लोग अंतरिक्ष जो यान होता है ना उसमें हम लोग इस्तेमाल करते हैं। याद कीजिए जरा, सामने क्लास में बताया था अंतरिक्ष यान में जो यूज होने वाला सेल वो कौन सा है, H2O2 सेल, H2O2 सेल, हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल,
उसको हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के द्वारा जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसी को हम लोग विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके और उससे बिजली है ना, हमें क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन करवाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ईंधन सेल, है ना। इसका आंसर हो जाएगा सी, तो 64 का आंसर हो गया सी। 65 में देख लीजिएगा, निम्नलिखित में कौन सेकेंडरी सेल है, द्वितीयक सेल है। क्वेश्चन नंबर कहां गया, 65। निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक सेल है, द्वितीयक मतलब सेकेंडरी सेल है, तो इसमें बताने की बात है, कौन सेल है बताओ। लेकलांस सेल ही तो प्राइमरी सेल है, सांद्रन सेल ये भी तो है, ये भी प्राइमरी सेल है, इनमें से सभी नहीं। लेड स्टोरेज बैटरी, क्या रखना, लेड स्टोरेज बैटरी जो है वो सेकेंडरी सेल, सेकेंडरी सेल कहते किसको है, जिसको बार बार चार्ज करके हम लोग उपयोग में ला सकते हैं, उसी को हम लोग सेकेंडरी सेल यानी कि द्वितीयक सेल के नाम से जानते हैं। तो याद रखना इसका 65 का आंसर हो जाएगा बी, 65 का आंसर हो गया बी। 66 है, एक फैराडे का विद्युत कॉपर सल्फेट के घोल से कितना ग्राम तांबा मुक्त करेगा, यानी एक फैराड चार्ज अगर कॉपर सल्फेट के बिलियन में हम प्रवाहित कर दें तो कितना ग्राम कॉपर कैथोड पर जमा होगा। चलिए आपको बता दें कॉपर सल्फेट टूटेगा कैसे, Cu पर प्लस प्लस, SO4 पर माइनस माइनस। अब सोचिए दो प्लस है ना, इसका मतलब दो मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, 63.5 ग्राम कॉपर जमा होने के लिए दो फैराड चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है क्या फैराड, कहा एक फैराड, सोचिए दो फैराड दीजिएगा तो 63.5 ग्राम कॉपर जमा होगा, एक फैराड दीजिएगा तो उसका आधा कर दीजिए, यानी कि 63.5 का आधा हो जाएगा 31.75 ग्राम। 66 का आंसर हो गया बी। नेक्स्ट चाहिए 67 नंबर, 67, सेल स्थिरांक का मात्रक क्या होता है। अरे सेल स्थिरांक तो एकदम हल्का सी पूछ दिया गया है, सेल स्थिरांक का मात्रक होता है, आपको मालूम है सेल स्थिरांक फॉर्मूला होता है एल बटा ए, एल जहां दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी और ए है क्षेत्रफल, एल बटा ए यानी कि पर सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 68, 0.5 एम्पीयर की विद्युत धारा 30 मिनट तक कॉपर सल्फेट के बिलियन से प्रवाहित करने पर कितना ग्राम कॉपर जमा होगा, आपको इसमें बताया है, जैसे 0.5 एम्पीयर की विद्युत धारा 30 मिनट तक बोला तो सबसे पहले आप आवेश की मात्रा निकाल दीजिए, आवेश की मात्रा बराबर क्या होता है, करंट गुने टाइम, मिनट में है इसको सेकंड में बदलने के लिए 60 से गुना करेंगे, 0.5 गुने 30 गुने 60 ये हो गया आवेश की मात्रा, लगभग 900 कूलम के आसपास आएगा। फिर उसके बाद कॉपर सल्फेट का विलयन है तो दो फराड हो गया, यानी कि 2 × 96,500 लिख देंगे ऐसे, 2 × 96,500 कूलम से 63.5 ग्राम जब होता है तो 900 कूलम से कितना, कैलकुलेट करके देखिएगा इसी के आसपास, यहाँ पे जीरो होगा जी, ये ऑप्शन में 0.035 के आसपास होगा इसका आंसर, थोड़ा सा मिला लीजिएगा आप लोग, कैलकुलेट कर लीजिएगा है ना, 0.0 आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69, क्वेश्चन नंबर 69, चलिए हम लोग अब अंतिम पायदान पे पहुंचे हुए हैं, लास्ट होने जा रहा है, इसलिए देख लीजिए, किसी बिलियन की चालकता समानुपात, चालकता देख रहे हैं, चालकता वर्ड जैसे यूज करेंगे ना समझना, विशिष्ट चालकता की बात कर रही है, तो विशिष्ट चालकता है ना, क्या बोला, किसी बिलियन की चालकता किसका समानुपाती होता है, विशिष्ट चालकता निर्भर करता है आयनों की संख्या पे, मोलर चालकता निर्भर करता है मोलों की संख्या पे, तुल्यांक की चालकता निर्भर करता है तुल्यांकों की संख्या पे। आपको याद होगा परिभाषा हमने बताया था, विशिष्ट चालकता परिभाषित है एक ml बिलियन की जो चालकता होती है, यानी कि एक ml में आयनों की जो संख्या होती है ना उसके हिसाब से उसकी चालकता मापी जाती है, याद रखना विशिष्ट चालकता आयनों की संख्या पर निर्भर करेगा। तो 69 का आंसर हो गया बी। और क्वेश्चन नंबर 70, देखिए 70 नंबर क्वेश्चन, आपको लग रहा होगा सर एकदम अब लास्ट हो रहा है, जल्दी से बता दीजिए उसके बाद हम जल्दी से निश्चिंत हो जाएंगे, क्वेश्चन मिला लिए आपको पता चल जाएगा कि कितना क्वेश्चन आने वाला है। देखिए टाइम तो बहुत लगा, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चंस ज़्यादा था, ऐसे भी आप लोगों को जान हम बार बार बोलते रहते हैं कि जब तक पेशेंस नहीं रखिएगा ना तो कोई भी चीज़ आसान नहीं होता है, थोड़ा टाइम लगे लेकिन आप तरीके से अगर सीख जाते हैं आपको समझ में आ जाता है तो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद है। मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है, हर लम्हा जिंदगी का इम्तिहान होता है, भागने वालों को कुछ नहीं मिलता लेकिन डटकर सामना करने वालों के कदमों में सारा जहान होता है, इसलिए भागना नहीं बहादुर, एकदम डटकर मुकाबला करना, इस तरह के क्वेश्चन आते रहेंगे, आप सबका सोल्यूशन आपको मिलता रहेगा और कोशिश कीजिएगा कि अगला जो टेस्ट हो उसमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को हम अटेम्प्ट करें। इस बार भी देखते हैं कितना आप लोगों का मार्क्स आ रहा है, कॉपी चेक हो रहा है। चलिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन पहले कर लें, आप लोग भी उब रहे होंगे कि सर जल्दी से इसका सोल्यूशन कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 70, LCl3 के घोल से 1 मोल एल्यूमिनियम को इलेक्ट्रोड पर जमा होने में कितना विद्युत की आवश्यकता होगा। एल्युमिनियम क्लोराइड, देखो LCl3 आप इसको तोड़िएगा तो एल्युमिनियम पर 3+ आएगा, जैसी 3+ आया समझिए 3 फैराड आवेश की आवश्यकता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 70 तक का हमने क्वेश्चन सॉल्यूशन कर दिया, ऑब्जेक्टिव पूरा कंप्लीट हो गया।
सब्जेक्टिव की हम लोग बाद में बात करेंगे, पहले इतना आप लोग मिला लीजिए कि भाई ऑब्जेक्टिव जो 17 क्वेश्चंस जो दिया गया था उसमें आपका कितना सही हो रहा है, कितना गलती हो रहा है। किसी भी क्वेश्चंस में कोई डाउट रहेगा हमको बताइएगा, हम फिर से उसको एक्सप्लेन कर देंगे। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट फिर हम लोग देखते हैं आगे।